एवरीवन, आई एम राहुल गेल फ्रॉम डायमंड के यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज के वीडियो में हम जा रहे हैं, आई मीन उस लीग का नाम भी बहुत अजीब सा है, वर्ल्ड चैम्पियंस या लीग ऑफ लेजेंड्स ऐसा करके कुछ नाम है, जिसमें ऑल द हीरोज लाइक जिनको पुराने टाइम में वी यूज टू वॉच, रायना, युवराज, हरभजन, शोएब अख्तर एंड ऑल दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स। आई एम नॉट श्योर शोएब अख्तर खेल रहा है या नहीं, बट शाहिद अफरीदी, या सो ऑल दी स्टार्स आर प्लेइंग। तो हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। मैंने सोचा था कि ज़्यादा मैचेस कवर करूँगा, बट ऑनेस्टली जब मैंने वो लीग शुरू हुई और मैंने उसके मैचेस लाइव टीवी पे भी देखे, तो भाई कोई हाइप नहीं थी, कोई क्राउड नहीं था उसमें, कुछ मज़ा नहीं आ रहा था उस टाइम पे देख के, मेरे को लगा। तो अभी आई एम नॉट श्योर कि कैसा सीन होगा। हम जाएंगे, ये वाला मैच देखेंगे, अगर मज़ा आया, अगर कुछ अच्छा क्राउड इन हुआ उधर, तो वील गो फॉर मोर गेम्स, अदरवाइज वील जस्ट स्टिक टू वन वीडियो एंड ट्राई करेंगे कि एक ही वीडियो पे ख़त्म करें। बाकी इट बी अ गुड वीडियो, क्योंकि लाइक मेरे को अपने चाइल्डहुड हीरोज़ को खेलते हुए देखने का मौका मिलेगा, लाइक यूवी, सुरेश एंड हरभजन, एंड आई एम अ बिग युवराज फैन। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। सो ये मैचेस है बर्मिंघम में, सो लेट्स गो टू बर्मिंघम। सो हाय एवरीवन, हम लोग पहुंच चुके हैं एचबेस्टन बर्मिंघम क्रिकेट ग्राउंड, और फॉर नाउ ये है फर्स्ट लुक्स ऑफ द ग्राउंड, बाहर से कुछ ऐसा लगता है। एंड अभी तो क्राउड कुछ खास है नहीं, मे बी अर्ली स्टार्ट है, मॉर्निंग का स्टार्ट है 12:30 का, इसकी वजह से क्राउड नहीं है, बट देर आर सम इंडियन फ्लैग्स ओवर हियर, लेट मी जूम इन, या बट दे आर वेरी फ्यू, लाइक बंच ऑफ पीपल। आई थॉट ज़्यादा क्राउड होगा, मुझे लगा पैक हाउस होगा, बट ऐसा तो कुछ सीन अभी तक नहीं लग रहा। और मैं पहले भी एक बार बर्मिंघम आ चुका हूँ, वो मैच था इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, और वो मैच हाउसफुल था। उसका मैं लिंक यहाँ कहीं दे दूँगा, नहीं तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूँगा, और तुम लोग वो भी देख सकते हो। एंड हियर वी गो, वर्ल्ड चैम्पियन लेजेंड समथिंग, मेरे को तो अभी तक नाम भी फिगर आउट नहीं हुआ इस लीग का। लेट्स गो, बैक स्कैन कराते हैं एंड टिकट स्कैन कराते हैं, आई विल मीट यू, देयर वी गो, एंड आ बैग एंड एवरी थिंग इज़ डन, है वी आर। तो मैं तुम्हें पहले लुक्स दिखाता हूँ अभी ग्राउंड के, एंड क्या माहौल है, क्या सीन है, लेट मी जस्ट गिव यू द लुक्स। और एज यू कैन सी, कुछ खास लोग हैं नहीं भाई, और मेरे को लगता है ना, ये गेम अगर सब कॉन्टिनेंट में होता, लेट्स से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, या कहीं पर भी ये गेम करा देते, तो भाई फुल पैक हाउस होते, क्योंकि इंग्लैंड में ऑनेस्टली दे डोंट केयर अबाउट क्रिकेट, ऑल दे लव इज़ फुटबॉल। एज यू कैन सी देर आर स्टैंड आर मोस्टली एम्प्टी, जबकि तुम्हारे इतने बड़े स्टार्स खेल रहे हैं ऑफ द गेम। ये है कुछ ट्रॉफी एंड देयर वी गो, एम्प्टी स्टैंड्स, देर इज सम प्लेयर प्रैक्टिसिंग, लेट मी जूम इन एंड हु इज इट, सुरेश रैना। आई मीन मैं वही बात कर रहा था कि यार अगर इतने बड़े स्टार्स खेल रहे हों, दूसरी साइड केविन पीटरसन है, राइट इस टीम में युवराज, हरभजन एंड ऑल दीज बिग नेम्स आ देयर, तो ये गेम अगर सब कॉन्टिनेंट में होता तो ज़्यादा क्राउड आता, बिकॉज दे लव क्रिकेट एंड ओवर हियर नो वन लव्स क्रिकेट। लेट मी जस्ट गो इन माई स्टैंड, माई स्टैंड इज़ नंबर 12, दैट ब्लॉक 12, तो वहाँ जाते हैं और सीधा मैं मिलता हूँ तुम्हें वहीं पर। एंड तब तक मैं तुम्हें बाहर से ग्राउंड भी दिखा दूँगा कि क्या कुछ ऑप्शन है फूड के या ये सब, बिकॉज अगर तो क्राउड ज़्यादा होता है तो ज़्यादा ऑप्शंस भी होते हैं तुम लोग के पास, आई मीन वाई भी अलग होता है। मैं इंग्लैंड पाकिस्तान गेम में यहाँ पर आया था, T20 मैच था, और भाई उस दिन तो इतना क्राउड था ना, लाइक पूरा एक भी सीट खाली नहीं थी, आई थॉट ऐसा माहौल था। बट आज यू कैन सी इट सीम्स लाइक देयर इज़ अ काउंटी गेम, आई मीन काउंटी में भी इससे ज़्यादा क्राउड होता है यार,
बट नेवर्थलेस लेट्स गो टूवर्ड्स द स्टैंड एंड ये कुछ बाहर का सीन है, देर आर सम फूड कोर्ट्स ओवर देयर, फूड स्टॉल्स व्हाटएवर यू कॉल देम, तो ये सब ऑप्शंस तुम पिक कर सकते हो, बट टू बी ऑनेस्ट दीज फूड्स आर ओवर प्राइज्ड, लेस क्वान्टिटी, बेसिकली पैसा उड़ाने वाली बात है इफ़ यू वांट टू बाय इट। मोस्टली मैं क्या करता हूँ कि मोस्टली अपना खाना खुद कैरी करता हूँ और यहाँ के ग्राउंड्स में अलाउड है, यू कैन कैरी योर ओन फूड एंड दैट्स द बेस्ट ऑप्शन आई वुड से, बिकॉज अवॉइड बाहर का खाना स्पेशली ग्राउंड का, बिकॉज इट्स नॉट दैट गुड। ओके लेट्स गो स्ट्रेट टूवर्ड द स्टैंड, तो यहाँ पर एक बार भी है आई गेस, और देयर इज़ अ म्यूज़ियम एज वेल जिसमें मैं नहीं गया हूँ अभी तक, एंड तुम लोग देख सकते हो, इट सीम्स लाइक भाई कोई मैच हो भी रहा है या नहीं, देर आर ओनली लाइक 10-12 पीपल सिटिंग ओवर हियर एंड द रेस्ट इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी। ओके बट वी हैव टू गो टूवर्ड्स दिस स्टैंड, RES YS स्टैंड, हेयर इट इज ब्लॉक 7-12, सो आर ब्लॉक इज 12, सो लेट्स हेड स्ट्रेट टूवर्ड्स दैट, एंड यहाँ पर मुझे फिर टिकट स्कैन कराना है एंड देन आई विल मीट यू ऑन माई सीट। से वी आर, टिकट फिर से हमने स्कैन करा लिया है, और मोस्टली जो गेम्स होते हैं ना T20 या 100 के, तो उस टाइम पे जो पवेलियन रहता है वो ये एंड पे रहता है जहाँ पर लिखा है ना IMBCU, तो यहाँ पर पवेलियन होता है, और मैंने 100 का एक गेम देखा था यहाँ पर, और उस गेम में शाइन अफरीदी, RS राउफ एंड ऑल दीज वो जस्ट सिटिंग ओवर हेयर ओनली, तो यू कैन ईजीली गो एंड टेक पिक्चर्स, बट मैं उस टाइप का हूँ नहीं, मेरे को ज़्यादा यू नो चुल नहीं रहती है फ़ोटो खिंचाने की ये सब करने की, बट ये है कुछ ग्राउंड फॉर नाओ एंड लेट्स गो टू आर सीट। सो दिस विल बी अ सीट एंड एज यू कैन सी देर आर फ्यू पीपल हैव कम, होपिंग द गेम स्टार्ट सून। सो गाइज बीच में हुई थी थोड़ी बारिश जिसकी वजह से प्लेयर्स को वापस अंदर जाना पड़ा, बट अभी ड्रिजल रुक गई है एंड द वेदर सीम्स टू बी क्लियर और प्लेयर्स आ चुके हैं, तो एज यू कैन सी वार्म अप्स में हरभजन सिंह इज़ देयर, समित पटेल इज़ देयर, रायना, और मैंने कुछ देर पहले केविन पीटरसन को भी देखा था, लेकिन टॉस पे वो आएगा तो मैं तब तुम्हें दिखा दूंगा, एंड यू कैन सी ऑल दिस प्लेयर्स, राहुल शर्मा एंड ऑल। ओके लेट्स कट टू द टॉस। Preparations, how they've been. You've only been here a day. Yeah, bit of jet lag from America back to England, and yeah, it's good to be back on the field. And let's see what the rest of the hour. तो भाई टॉस जीता इंडिया ने एंड इंडिया ने डिसाइड किया कि दे विल बोल फर्स्ट, और यही कुछ क्राउड है जो आया है इस गेम में। फॉर नाउ लेट्स सी, लेट्स कट टू द फर्स्ट बॉल एंड होपिंग दैट आर बॉयज डू वेल, एंड हियर यू गो, केविन पीटरसन इज़ बैटिंग एंड बॉलिंग फॉर इंडिया इज़ RP सिंह, आई मीन लेट्स गो, लेट्स कट टू द फर्स्ट बॉल। एंड तुम लोग देख सकते हो काफ़ी बढ़िया स्टार्ट तो नहीं कहूँगा, बट इट्स ओके, बट लाइक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड ऑल, बिकॉज दे आर मोस्ट ऑफ देम आर इन लाइक देयर 40s, तो वो एनर्जी, वो किलर इंस्टिंक्ट्स तो नहीं रहेंगे, बट हरभजन सिंह वॉज वन ऑफ द प्लेयर्स जिनको मैं एक्चुअली बॉलिंग करते देखना चाहता था, आई हैव नेवर सीन हिम इन बॉलिंग इन माई लाइफ, तो लेट्स सी हाउ ही डज। एंड एक्चुअली ही बोल्ड प्रिटी वेल, उसके बाद उसने दो विकेट्स भी लिए जो कि मैं आगे क्लिप्स में लगा दूंगा, तो तुम लोग इन्जॉय कर सकते हो, एंड आई गेस ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर ऑन दैट डे। आई मीन थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था सुरेश रैना और नमन ओझा के बीच में, मुझे लगा छोड़ देंगे, बट दे हंग ऑन टू इट, और ये था दूसरा विकेट। आई मीन इस एज में ऐसा डाइविंग कैच पकड़ना इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स प्रीटी टफ, बट बहुत ही तगड़ा कैच था। एंड देन ऑन हरभजन
वॉज बॉलिंग गुड, बट दूसरे एंड से इट वॉज इयान बेल जो कि कम्प्लीटली गेम अवे ले गया है. ही स्कोर्ड अ 50 आई गेस फॉर देयर टीम. एंड ये था लास्ट बॉल इस इनिंग्स का, इंग्लैंड इनिंग्स का. तो भाई धवल कुलकर्णी को पड़ा था लास्ट बॉल पे 6, जिससे इंग्लैंड का स्कोर हो गया था 165. इट मींस हम चेस कर रहे हैं 166. सो हेयर कम्स आवर इंडियन बैटिंग. और हमारे ओपनर थे रॉबिन उथप्पा एंड नमन ओझा. रॉबिन उथप्पा को तो मैंने लाइव बैटिंग करते हुए देखा है इन जब वो केकेआर के लिए खेलता था आईपीएल में. तो आई हैव सीन हिम बैट इन कैलकटा. तो ही इज़ अ प्रीटी गुड प्लेयर. तो उस पर तो मेरे को बोला कॉन्फिडेंस है. बट नमन ओझा कभी नहीं देखा. सो लेट्स कट टू द फर्स्ट बॉल. एंड ऑनेस्टली रॉबिन उथप्पा और नमन ओझा ने बहुत ही बढ़िया स्टार्ट किया था दिस. हैड अ 50 रन ओपनिंग स्टैंड आई गेस. बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहे थे. लेकिन मी बीइंग ट्रू इंडियन फैन तो मुझे उन दोनों को नहीं देखना था. मुझे सुरेश रैना, युवराज और इन सब की बैटिंग देखनी थी. सो वो सब मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया. सो हेयर कम्स सुरेश रैना. सो लेट्स एन्जॉय हाउ ही बैट्स. आई मीन इट वॉज अ टिपिकल सुरेश रैना स्टार्ट, सिंगल डबल स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेके. बट उसके बाद उसका फेमस इनसाइड आउट शॉट जो मारता है वो आई पी एल में, उसका तो मैं फ़ैन था भाई. और उसने एक्चुअली वो शॉट दिखाया ऑन दिस बॉल. सो इन्जॉय है. और ये शॉट के बाद दूसरे एंड पे एक विकेट गिरा एंड देन केम मिस्टर सिंह युवराज. और तुम लोगों ने क्राउड का रोर सुन ही लिया होगा कैसा था. तो इस सिचुएशन पे इंडिया थोड़े ट्रबल में तो था बिकॉज युवराज एंड सुरेश रैना वर न्यू टू द क्रीज और रन भी ठीक ठाक चाहिए थे. लेकिन इफ़ यू सी इवन युवराज सिंगल भी ले रहा था ना, तो क्या फ्लेयर जो है उसका, जो उसका स्टाइल ऑफ बैटिंग है वो अलग ही है. सो इट वॉज यू नो सच अ प्लीजिंग टू दिया है कि मुझे उसे बैटिंग करते देखने का मौका मिल रहा था. और दूसरे एंड पे सुरेश रैना कुछ खास टाइम कर नहीं पा रहा था. एज यू कैन सी ये कैच छोड़ा था केपी ने उसका. एंड उसके बाद युवराज सिंह भी एक शॉट मारते हुए आउट हो गया ऑन दिस बॉल. सो यू कैन हैव अ लुक. आई मीन जिस तरह से उसने कनेक्ट किया था फॉर अ सेकेंड आई थॉट कि ये 6 हो जाएगा, बट हुआ नहीं. एंड देन केम इरफान पठान एंड टुक द चार्ज. आई मीन भाई ने दो बैक टू बैक छक्के मारे और फिर एक चौका मारा. ये शॉट तो बहुत ही बढ़िया था. उसके जो नेक्स्ट शॉट मारा वो भी सिमिलर था लेकिन वो थोड़ा रोज पीछे जाके गिरा. सो इट वॉज़ बेसिकली इरफान पठान. एंड देन इन बिटवीन गुरकीरत मान ने भी आगे कुछ अच्छे शॉट्स मारे जिसकी वजह से गेम पूरा ही इंडिया की तरफ ड्रिफ्ट हो गया. तो इस पॉइंट पे तो लग रहा था कि हाँ इंडिया इजीली जीत जाएगा. आई मीन तुम लोग देख ही सकते हो कैसे आराम से ये लोग मार रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इंडिया यहाँ से ईजिली क्रूज करेगा और जीत जाएगा. और उसके बाद ये विकेट आता है एंड दिस कैच वॉज अमेजिंग. हैव अ लुक. आई मीन मैं बोल नहीं रहा हूँ दैट दीज प्लेयर्स आर ओल्ड, बट
ऐसा फिटनेस लेवल, मतलब फिटनेस तो क्या ही बोलूँ, मतलब ऐसा अटेम्प्ट भी मारना इस एज में इट्स वेरी टफ। ये विकेट गिरा एंड उसके बाद गुरकीरत मान ऑल्सो थ्रू हिज विकेट अवे, और ये विकेट के बाद तो मैच पूरा फंस गया था। ऐसा लग रहा था दैट इट कुड लाइक किसी भी वे जा सकता है, कोई भी जीत सकता है, बट देन केम हरभजन सिंह और लास्ट ओवर में आई गेस 6 of 6 चाहिए थे और भाई ने छक्का मार के गेम ख़त्म कर दिया। और ऑनेस्टली मेरे को मैच में मज़ा तो आया, लाइक मुझे अपने हीरोज़ को देखते हुए खेलते हुए देख के उनको मज़ा आया, बट मैच और अच्छा हो सकता था अगर अच्छा क्राउड आता, बट दैट इज़ अ डिफरेंट साइड ऑफ द गेम। ऑलराइट, तो अगर तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए हो वीडियो के, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।